चारों ओर बम धमाके की आवाज थी, युद्ध के सायरन की गूंज और दहशत थी, कभी गोलीबारी की आवाज तो कभी गिरते बम। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच निकलकर आए डीडवानो नागौर जिले के छात्रों ने ऐसे ही आपत्ति बताई। हालांकि भारतीय छात्रों ने हिम्मत नहीं हारी, युद्ध के दुर्गम और विषम हालातों के बीच डीडवाना पहुंचे। डीडवाना के छात्र अवतार सिंह बाजवा, रजत राठौड़, कुलदीप सिंह चौहान के साथ ही कुचामन के महेंद्र रुलानी और खाटू के सरफराज हुसैन डीडवाना पहुंचे। जैसे छात्र डीडवाना पहुंचे तो परिजनों से लिपट गए। परिजनों ने भी अपने बच्चों का छोटे बच्चों की तरह दुलार किया और सैकुशल लौटने पर ईश्वर का धन्यवाद किया। इस मौके पर डीडवाना के मारवाड़ हॉस्पिटल परिसर में सभी छात्रों के पहुंचने पर डॉक्टर सोहन चौधरी और छात्रों के परिजनों ने गर्मजोशी के साथ छात्राओं की आगवानी की और माला पहनाकर मिठाई खिलाई। इस मौके पर छात्रों ने युद्ध के हालात के बीच आपबीती सुनाई। उन्होंने भारतीय छात्रों को निकालने पर भारत सरकार का धन्यवाद किया। छात्र अवतार सिंह बाजवा ने बताया कि यूक्रेन के क्यूम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, लेकिन जब से यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ तब से सभी भारतीय छात्र छात्राएं परेशान थे। युद्ध के हालात में उन्हें गिरते बम दिखाई दिए, गोलियों की गूंज और बंकरों में छिपना पड़ा। कभी सायरन बजने की आवाज आती तो कभी बम धमाकों की आवाज, जिससे चारों तरफ दहशत थी। लोग काफी भयभीत थे और जल्द से जल्द युद्ध स्तर से निकलने की कोशिश में जुटे थे। और इसके बावजूद भारतीय छात्रों ने हिम्मत नहीं हारी और भारतीय एजेंसी से कॉन्टेक्ट कर पोलैंड सीमा पहुंचे और फिर वतन वापसी हुई। बता दें, डीडवाना तहसील के छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गए थे, लेकिन रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमले के बीच छात्र फंसे रहे। लेकिन इस वक्त भी छात्र फंसे हैं और छात्रों की वतन वापसी का दौर भी जारी है। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां पीलीभीत में एसडीएम के गार्ड से डॉक्टर ने अभद्रता की। डॉक्टर का आरोप है कि होमगार्ड शराब के नशे में धुत था। देर रात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुत्ता काटे जाने का टीका लगवाने पहुंचे थे पूरनपुर एसडीएम के गार्ड, तभी डॉक्टर ने नशे में होने की वजह से कुत्ते काटे जाने का टीका लगाने से मना कर दिया। गार्ड ने एसडीएम का पावर दिखाते हुए डॉक्टर से अभद्रता की और डॉक्टर ने उसी दौरान 112 पुलिस को डायल किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पूरा मामला पूरनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। यूपी में 2022 विधानसभा का चुनाव धीरे धीरे अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है, तो वहीं अब प्रदेश में एक बार फिर योगी की सरकार बने इसके लिए धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गए। अयोध्या के प्रसिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर में स्थित यज्ञशाला में पुजारी राजू दास के नेतृत्व में 7 वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा हनुमंत अनुष्ठान कर आहुति डाली गई। इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और दोबारा मुख्यमंत्री बनने की राह में आने वाले संकटों को हरने की प्रार्थना की। वहीं अनुष्ठान कर रहे रामनगरी अयोध्या हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने कहा कि इसका उद्देश्य है कि हिंदुत्व का कार्य योगी जी का शासन ऐसा आगे भी चलता रहे। योगी जी का उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना तय है और उनको बनना भी चाहिए, और इसी उद्देश्य को लेकर योगी जी विजय भव यज्ञ हनुमानगढ़ी में हम लोगों ने 7 वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा हवन कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है कि एक बार फिर योगी सरकार यूपी में बन सके। अयोध्या हनुमानगढ़ी हनुमत यज्ञशाला में वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बने और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भगवा की सरकार बने, इसके लिए हनुमत सहस्रनाम, हनुमान चालीसा, आदित्य हृदय सूत्र के मंत्रों के साथ में यज्ञ आहुति दी गई। और हम उम्मीद करते हैं, श्री हनुमान जी महाराज में आस्था और विश्वास है कि पुनः सनातन धर्म संस्कृति हिंदू और हिंदुत्व के लिए योगी जी विजय होंगे। डीडवाना नागौर हाईवे पर कोलिया गांव के पास बोलेरो टम्पर के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें, बोलेरो सवार लोग बीकानेर से डीडवाना क्यों जा रहे थे, तभी कोलिया के नजदीक बोलेरो कार और टम्पर आपस में भिड़े, जिससे बोलेरो सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को एक स्कूल से बस से डीडवाना के बांगड़ अस्पताल भेजा गया, जहाँ प्राथमिक जाँच के बाद फोकड़ी गाँव निवासी नारायण राम को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि 3 अन्य घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिन्हें जयपुर भी रेफर किया गया। लेकिन अजयपाल नामक बोलेरो चालक की भी मौत हो गई है। जानकारी के माने तो नजदीकी गांव फोगड़ी निवासी मृतक नारायण राम कैंसर का रोगी है, जिसका बीकानेर के अस्पताल में उपचार चल रहा था। बीकानेर अस्पताल में जांच और उपचार के बाद वापस गांव लौटने के दौरान उसकी गाड़ी और डंपर की भिड़ंत हो गई। मुरादाबाद के गन्ने के खेत में वृद्ध दंपति के खून से लथपथ शव मिला। बता दें, गन्ने के खेत में दंपति के खून से सने शव को मिलने को लेकर अब सनसनी फैल गई।
परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर पहुंचे एसपी देहात विद्यासागर मिश्रा ने फोरेंसिक टीम से बारीकी से जांच की है। घटना के गुत्थे सुलझाने को लेकर फिलहाल साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पूरी घटना थाना छजलेट क्षेत्र के मथाना गाँव की। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की सुरक्षा का मुद्दा बेहद गंभीर है। पंजाब के हरजोत सिंह को गोली लगी है और वह अस्पताल में एडमिट है। हरजोत सिंह ने केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन आरोप है कि उन तक मदद नहीं पहुंची। हरजोत का कहना है कि वे लगातार भारतीय दूतावास से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हरजोत सिंह ने कहा कि भारतीय दूतावास से मैंने कोई मदद नहीं मिली है, हम हर दिन संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हर दिन वो कहते हैं कि कोई मदद करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। अभी तक कोई मदद नहीं पहुंची है। बता दें 27 फरवरी को गोली का शिकार हो गए थे हरजोत। 2 मार्च के बाद उनको होश आया था। हरजोत सिंह ने बताया था कि वे गोलीबारी का शिकार 27 फरवरी को हुए थे। उन्होंने कहा था कि हम 3 लोग एक कैब में थे और अपने तीसरे चेक पॉइंट की ओर बढ़ रहे थे। वहां पहुंचने पर सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए हमें वापस लौटने को कहा गया। उन्होंने आगे कहा कि चेक पॉइंट से वापस लौटते समय कई गोलियां चलाई गई, मुझे गोली लगी, मैं बेहोश हो गया। इसके बाद मुझे 2 तारीख को अस्पताल में होश आया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने उन्हें बताया कि 3 से 4 घंटे तक वे सड़क पर पड़े थे और काफ़ी खून बह चुका था। वहीं हरजोत सिंह ने कहा कि मौत के बाद अगर आप चार्टर्ड विमान भी भेज देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है, मैं इसे जीना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने दूतावास से अनुरोध किया है कि मुझे यहां से निकाला जाए, मुझे व्हीलचेयर जैसे सुविधा उपलब्ध कराई जाए, दस्तावेजों के काम में मेरी मदद की जाए।